हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी लाइज विद इन। आज मैं अपने चैनल पे करने वाली हूँ आइकॉनिक प्रोफेशनल के कर्लर का रिव्यू, और मैंने ऑलरेडी इसके दो स्ट्रेटनर का भी रिव्यू किया हुआ है। आपको मैं वीडियो की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट टू वॉच, यू कैन वॉच इट देयर। एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द पैकेजिंग। इसका मॉडल नंबर है CT22, एंड 22 रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द बैरल विच इज़ 22 mm। ये जो बैरल है ये बनी है टॉमेलाइन सिरामिक की, और इसकी MRP है 3,100 rupees। अभी आपको डिस्काउंट में करीब 2,500 का ये टोंग मिल जाएगा। सो बेस्ड ऑन द साइज़ आपको 16 mm से लेके 36 mm तक के कलर भी मिल जाएंगे, और उसके प्राइजेस अकॉर्डिंगली डिफर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बैरल कूल टिप मिलता है, यानी पूरा बैरल गर्म हो भी जाए तो ये पार्ट इसका ठंडा होगा। आप इजीली इसे पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो क्लिप है ये ओपन होती है, और जो ओपन होने वाला पार्ट है वहाँ पर आपको रबर का ग्रिप दिया हुआ है, तो इजीली आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इसके साथ ये स्टैंड भी मिलता है, यानी जब आपका कलर गर्म हो और आप इसे थोड़ी देर के लिए नीचे रखना चाहें तो आपके सरफेस पर ये बिल्कुल भी कोई डैमेज ना दे, इसके लिए ये आपको स्टैंड दिया गया है। इसे आप ओपन कर लो तो इजीली आप इसे प्लेस कर सकते हो विदाउट टचिंग द सरफेस। कुछ ही सेकेंड होल्ड करने पर ये पावर ऑन हो जाता है, और इसमें मल्टीपल टेम्परेचर रखने के लिए आपको बटन्स भी दी गई है, जैसे कि 110 इसका मिनिमम टेम्परेचर है और 210 मैक्सिमम। सो अकॉर्डिंगली यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। साथ में इसका जो कॉर्ड है वो 360 डिग्री घूम जाने वाला कॉर्ड है। इसका कॉर्ड है 3 मीटर, और ये 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है, और अगर आप इसे यूज़ नहीं करते काफ़ी टाइम तक तो 1 घंटे में ये ऑटो शट हो जाता है। तो अब मैं इसे यूज़ करके बताऊंगी अपने आधे बालों पर, और आधे बालों को मैं ऐसे ही रहने दूंगी नेचुरल, सो दैट यू कैन हैव अ साइड बाय साइड कंपैरिजन राइट अवे। मैं हीट प्रोटेक्टिंग मिस्ट का यूज़ करूंगी पहले बिफोर यूजिंग द कर्लर। अब मैं इसे स्विच ऑन कर रही हूँ। मैंने इसे जैसे ही स्विच ऑन किया है ये टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए मुझे दिख रहा है। आई वुड लाइक टू शो यू गाइस। और जब टेम्परेचर 180 डिग्री पर पहुंच जाता है तब ये स्टेबल हो जाता है, और अब यहाँ पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू कीप इट एट मैक्सिमम। आप देख सकते हैं कि ये इन बिटवीन जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो भी आपको दिखा रहा है, यानी 180 डिग्री से 210 डिग्री जो मैंने किया है उसके बीच का ये इंक्रीमेंट्स आपको दिखा रहा है। सो आई एम टेकिंग दिस स्मॉल सेक्शन। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुकिंग कर्ल्स है ये। आप चाहे तो इससे और भी लूज कर सकते हैं ज़्यादा हीट पे ना रखते हुए। लेट मी लूजन इट अप अ बिट। तो आप देख सकते हैं, आप इसे सेपरेट करोगे तो ये और भी ज़्यादा नेचुरल लगते हैं, और अगर आपको थोड़े बालों में वेव्स चाहिए तो भी आप इस कलर के इस्तेमाल से वेवी हेयर का लुक भी दे सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आप पूरे के पूरे कर्ल्स ही कर लें। नाउ लेट मी शो यू द अदर वे टू कर्ल इट। लेट मी टेक अनदर स्ट्रैंड। सो आप चाहे तो आप नीचे से भी शुरू कर सकते हैं लाइक आई एम डूइंग नाउ, एंड चिमटे के बीच में बालों को रख के आप कर्ल करते जाएँ। होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन इस तरह से नीचे से आप क्लिप को रिलीज कीजिए। नाउ यू कैन सी
different type of curl with the same tong. तो ये इफ़ेक्ट है मेरे बालों पर जो थोड़े से फ्रिजी हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है. आप कह सकते हैं कि मेरे बाल थोड़े वेवी हैं तो उस पर इस तरह का कर्ल्स आपको मिलेगा. ये इसकी चौड़ाई होगी कर्ल्स की. सो ऑफकोर्स अगर आप इसे काफ़ी देर तक ऐसे ही रखोगे तो थोड़ा लूजन अप होता है कर्ल्स. इनफैक्ट कोई भी कर्लर आप यूज़ करो, लूजन अप हो ही जाता है आपका बाल. और उसके लिए फिर आपको हेयर सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे आपके कर्ल्स इंटैक्ट हों. बट आई थिंक दिस आर रियली वेरी गुड रिजल्ट्स. और आप चाहें तो इसे लूजन अप भी कर सकते हैं, विच आई विल शो यू राइट नाउ. सिंपली आप हल्के हाथों से अगर अपने फिंगर्स को इसके बीच में रन थ्रू करते हो, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है वरना कर्ल्स लूज हो जाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि फिंगर्स की मदद से आप काफ़ी हद तक इसे और भी ज़्यादा नेचुरल लुकिंग बना सकते हैं. या अगर आप बालों में सिर्फ थोड़ा सा कह सकती हूँ मैं वेव चाहते हैं तो आप ऐसे इसी तरह से कर्ल्स कर लीजिए और फिर फिंगर से उसे लूजन अप कर लीजिए और सेटिंग स्प्रे मत लगाइए तो डेफिनेटली थोड़ी देर बाद वो नेचुरली वेवी लगने ही लगेगा. एंड नाउ आई विल शो यू कि आप कोम से भी कैसे इसे रिलीज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं एकदम सैलून लाइक बाल लग रहे हैं यहाँ पर मेरे. So yes, that's all about today. I hope you have enjoyed this video. If so, please like, comment and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye-bye.